आज कटिहार सांसद तारिक अनवर अपने एक दिवसीय दौरे के क्रम में बलिया बेलोन क्षेत्र के बेनी जलालपुर भावनगर पंचायत पहुंचे। सांसद तारिक अनवर ने प्रखंड के इन सभी पंचायतों का घूम घूम कर जायजा लिया और लोगों से उनकी समस्या के बारे में पूछा। ग्रामीणों ने अपनी समस्या नव निर्वाचित सांसद तारिक अनवर के सामने रखते हुए बताया कि नदी लगातार कटाव कर रही है, जिस कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी समस्या को लेकर ग्रामीणों ने सांसद तारिक अनवर से जल्द कटाव निरोधी कार्य करने की मांग की। उसके बाद सांसद तारिक अनवर से एक पूरा पंचायत के सामुदायिक भवन में ग्रामीणों से रूबरू हुए। इस दौरान बड़ी संख्या हमें ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर सांसद तारिक अनवर के समक्ष पेश हुए। मुखिया अरब आलम ने माननीय सांसद तारिक अनवर को ज्ञापन देते हुए अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया, जिसमें बिजली की समस्या, बलिया बिलोन को प्रखंड बनाने की मांग, नल जल योजना में अनियमितता को दूर करना और मीनापुर से कुरुम भैलागंज होते हुए कुशीदा तक सड़क पक्कीकरण करना प्रमुख थी। साथ ही कदवा प्रखंड मुख्यालय में फैले भ्रष्टाचार से भी सांसद साहब को अवगत कराया गया। सांसद तारिक अनवर ने ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद जल्द से जल्द सभी समस्याओं के निदान को लेकर ग्रामीणों को आश्वस्त किया। इस क्षेत्र में आने के बाद कदवा टू यहाँ के लोगों की बहुत सारी मांगे हैं और बहुत जायज मांगे हैं और इसको जल्द से जल्द पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। एक तो उसमें बलिया बलोन को अविलंब प्रखंड बनाने की मांग है। ये मांग बहुत पुरानी है, मुझे याद है कि ये पिछले 15-20 साल से ये लंबित चला रहा है मामला। क्यों नहीं बनाया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये 12 पंचायत महानंदा के इस तरफ है और बिल्कुल जो प्रखंड कार्यालय है वहाँ जाना, वहाँ लोगों वहाँ संपर्क करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर एक ही प्रखंड के अंदर जिस तरह का व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। हम लोग मांग करते हैं, हम भी एक सांसद होने के क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के क्षेत्र मांग करते हैं कि बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस पर अविलंब विचार करना चाहिए कि 12 पंचायत का प्रखंड अलग कार्यालय हो और बलिया बलोन में हो। महानंदा तटबंध जो मीनापुर से कुरुम तक पक्कीकरण की लोगों ने मांग की है और जैसा मुझे बताया गया है और सच्चाई भी है कि वो तटबंध की स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है। उस पर गाड़ी चलाना या किसी तरह का सवारी करना बहुत मुश्किल है और काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो उसको भी जल्द से जल्द हो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उसका भी हमको यहाँ आने के बाद लोगों ने उसकी जानकारी दी है, आवेदन पत्र दिया है। और ऐसे तो बहुत सारी मांगे हैं, खुटरा से शेखपुरा मुख्य मार्ग पक्की सड़क खुर्रा फाट के निकट क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको भी ठीक कराने की मांग लोगों ने किया है। शेखपुरा पंचायत के अंतर्गत विभिन्न गांव हेतु 500 बिजली का पोल तथा 6 पी से 100 किलोवाट क्षमता वाले ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है, तो वो भी हम लोग बिजली विभाग से बात करेंगे, संपर्क करेंगे और इस काम को हम लोग कल जो से पूरा कराने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ बिजली का कार्य हो रहा है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है, जैसा लोगों ने मुझे बताया पावर स्टेशन का, उसको हम लोग जल्द से जल्द चाहेंगे कि बने, ताकि इस क्षेत्र में बिजली की बहुत शिकायत है, आए दिन शिकायत होती है और हम लोग कई बार इस मसले को हमने लोकसभा में भी उठाया है बिजली की समस्या को और फिर लिखित रूप में जिला पदाधिकारी को, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं उनको और सब लोगों को लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, लेकिन कोई उस पर जिसके संतोषजनक अभी उस पर कोई कार्रवाई हमको नहीं लगी हुई अभी तक। अभी हम पिछले सप्ताह जिला पदाधिकारी से बात किया था, उन्होंने कहा था कि ये सब जो जो बन रहा है वो बन जाएगा तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा, तो वो भी हम लोग उसका वेट कर रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको बनाया जाए। शुक्र से ही यही समस्या था, कटाव रोधन का कारण जो हाँ कटाव की समस्या पान का जो